भाई प्यार के सात वचन धर्म पत्री का जो आज का एपिसोड है, मुझे देखने में भाई बड़ा मजा आया। क्योंकि जिस तरीके से आज एक जो शॉट देखा जहाँ पे रवि और प्रतीक्षा एक दूसरे से अपने मन की बात कर रहे हैं, और इलाही सॉरी प्रतीक्षा जो है वो क्वेश्चन पुटअप कर रही रवि के सामने, और रवि जो है उनके जवाब दिए जा रहा है। वो देखने का जो मोमेंट है भाई खतरनाक है। लेकिन गाना अपने दिमाग खराब कर दिया, गाना इतना एक्यूरेट नहीं था उस जगह पे। गाने को थोड़ा चेंज करना चाहिए था ताकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी और भी अच्छी हो, लेकिन नहीं, इन्होंने उस चीज़ का सत्यानाश कर दिया। ये लोग गाना चाहते तो और भी अच्छा लगा सकते थे, तो और भी अच्छा बना सकते थे उस चीज़ को, लेकिन नहीं, इतना घटिया गाना लगाया कि बहुत बोरिंग हो गया, बहुत ज्यादा बोरिंग, मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगा ये। इसके बाद भाई आज के एपिसोड में जिस तरीके से प्रतीक्षा ने मतलब नशे में होने की एक्टिंग की, वो भी देखने में मुझे बड़ा मजा आया बहुत ज्यादा। क्योंकि ऐसी एक्टिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि नशे में रह के आप साइन कर रहे हो, साइन भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे, वो सब चीजें काफी बड़ी मुश्किल से होती है। और ये जिस तरीके से प्रतीक्षा ने निभाया है बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और पूरा का पूरा आज एपिसोड मैं कह सकता हूँ कि इसी के आसपास घूमता रहा कि भाई प्रतीक्षा और रवि का क्या चल रहा है, प्रतीक्षा रवि का क्या चल रहा है, प्रतीक्षा रवि का क्या चल रहा है। और मुझे ये चीज़ें देखने में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रही है चीज़ें। क्योंकि इनके बीच में एक रोमांटिक एंगल शुरू हो चुका है, और जब एक रोमांटिक एंगल शुरू होता है एक जोड़ी के बीच में, उसको लोग काफ़ी टाइम से देखना चाहते हो, ये जोड़ी काफ़ी टाइम से बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी मतलब एक्साइटिंग और थोड़ी सी हटकर हो ही जाती है। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी भाई आने वाले एपिसोड में ये देख रहे हैं कि प्रतीक्षा ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए, ठीक है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है रवि ने भी कर दिए होंगे। लेकिन फिर रवि और प्रतीक्षा एक दूसरे के साथ कमरे में शादी कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं सभी के सामने, तो ये सीन और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि भाई जब ये दोनों नशे में हैं, क्योंकि रवि ने भी वो जिसमें पहले वो डाला था ऑरेंज जूस में, क्या कहते हैं नींद की गोलियां, वो रवि पी लेता है इनडायरेक्टली गलती से, तो रवि भी नशे में है, रवि भी सो गया, प्रतीक्षा भी सो गई, और रवि के साइन के बिना ये डाइवोर्स मतलब है नहीं। तो ये लोग फिर से शादी करेंगे, फिर से शादी करने के बाद जो होगा ना, मैं उसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि ये चीजें मतलब जिस तरीके से हो रही है वो थोड़ा सा तड़का लगा रही हूँ, जिस तरीके से चीज जल्दी जल्दी हो रही है वो चीज और देखने में मजा आ रहा है। वरना पहले क्या होता है, ये पार्टी को 4 दिन तक खींचते ही चले जाते हैं, ये चीजें नहीं हो रही, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ नया हो रहा है, कुछ अच्छा और कुछ और भी ज्यादा बेहतरीन हो रहा है। बाकी भाई आने वाले एपिसोड में क्या होता है तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।